वाक्य में एक ऐसे निश्चित माप में तोड़ा जाए, क्या कहते हैं
निश्चित परिणामवाचक और अनिश्चित, क्या बच्चों? निश्चित, निश्चितता और अनिश्चितता, अनिश्चितता। जैसे मैं उदाहरण बताई हूँ, राम बाजार से 2 किलो शक्कर लाए, बच्चों यहाँ पे क्या परिणाम दर्शाता है? 2 किलो, समझ रहे हैं? राम के कहाँ से बाजार से क्या लाया? शक्कर, और शक्कर की परिणाम क्या दर्शा रही है हमको? 2 किलो। इसलिए यहाँ पे 2 किलो, जो 2 किलो है यहाँ पे परिणाम माप को दिखा रहा है, इसलिए परिणाम वाचक विशेषण हो जाएंगे। और शायद ऐसे बोलेंगे, राम कुछ शक्कर बाजार से लाए, कुछ इसकी परिणाम हमको दर्शा रही नहीं है, यहाँ पे क्या लगेगा? अनिश्चित परिणाम वाचक विशेषण। और आगे संख्या वाचक विशेषण, संख्या वाचक विशेषण उस संख्या को दर्शाने वाले विशेषण को क्या कहते हैं? संख्या वाचक विशेषण। जैसे क्लास में, इस कक्षा में 30 बालक है। 30 क्या है बच्चों? 30 एक संख्या है, इसको निश्चित संख्या में दर्शा रही है। और जब मैं बोलूंगी इस कक्षा में कुछ बालक है, कुछ क्या होगा बच्चों? उसकी अनिश्चितता होगी, उस संख्या की अनिश्चितता होगी, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? संख्या वाचक। संख्या में हम संख्या में काउंटिंग करेंगे, नंबर्स में काउंटिंग करेंगे, उसको संख्या वाचक विशेषण कहेंगे। इसके पाठ विशेषण के आधार पर इस पाठ से कुछ सोचा विशेषण आपको आइडेंटिफिकेशन करना है, ढूंढना है। जैसे मैंने लिखा है बोर्ड पे सोचा विशेषण, इस तीसरे पाठ के कुछ सोचा विशेषण देंगे। जैसे तोता, आम, आम एक पेड़ है, अनार, अंगूर, बेर, सब पेड़ों के और पक्षियों के नाम, उनका सब क्या हो जाएंगे? सोधियाँ होंगे। और इस सोधे के विशेषण क्या हो जाएंगे? मीठे, मोटे, गर्मी, बसंत ऋतु, खट्टे मीठे पर। इस बात से कुछ मैंने सोधा विशेषण ढूंढे, आप भी अपने मन से उस बात को फिर से दोहरा कर उस सोधा विशेषण आपके मन से ढूंढे और लिखिए, आपके किताब में लिखिए। धन्यवाद बच्चों।